लो हम फिर से एक नए वीडियो साथ वापस आ चुके हैं, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारे पास ये पल्सर है जिसका ये किक मारने से ये रिटर्न नहीं आ रहा है। तो आइए इसको मैं दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में। ये हम कलर सेट पर खोलेंगे और किक को ही बाहर निकालेंगे, सबको देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। दो चीज़ का प्रॉब्लम रहता है इसमें, कभी इसका किक स्प्रिंग टूटता है। सबसे पहले हम इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, उसके बाद कलर साइड के चैम्बर को खोलेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कलर साइड ओपन करने से पहले सबसे पहले आप ये फुटरेस्ट को बाहर निकाल लें ताकि आपका क्लच कवर आसानी से निकले। देख सकते हो कलर साइड ओपन हो चुका है इसका जो बॉक्स है। अब हमको ये क्लच प्लेट और इसका हॉजिंग को ही बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर देखेंगे कि इसका स्प्रिंग खराब है कि इसका गियर प्रॉब्लम है। दिखाता हूँ मैं आपको ये इसके अंदर।